follow me. The link is Amazon. Subscribe to my channel, products and skin, the healthy skin product. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vanshika और जैसे आपने टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा, ये हमारा स्पेशल जन्माष्टमी व्लॉग है. इसमें हम हमारी फैमिली में जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टेस्टी प्रसाद बनाते हैं और आज का हमारा दिन का रूटीन क्या रहेगा. सो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी आज के वीडियो में. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए और हमारे देखिए आज का स्पेशल जन्माष्टमी व्लॉग. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम ये ब्राउन कैबिनेट को यूज़ करेंगे हमारे जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए. पहले यूजुअली मैं हर साल लास्ट ईयर तक मैं अपने मंदिर को ही डेकोरेट करा करती थी, कान्हा जी को अलग से मैं रख के डेकोरेट नहीं करती थी. बट इस बार मैंने सोचा जैसे मैं गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा को अलग से बैठाल के एक एरिया को डेकोरेट करती हूँ, वैसे मैं इस बार भी करूँ. सो मैंने इस ब्राउन कैबिनेट पर ये पिंक क्लॉथ डाल दिया है. तो आप देख सकते हो मैंने एज अ बैकड्रॉप ये ब्लू कलर के कर्टन्स हैं जो आपको अमेज़ॉन पे मिलते हैं. ये मेरे पास बर्थडे सप्लाईज कुछ पड़ी थी इसलिए मैंने ये ब्लू कर्टन को एज अ बैकड्रॉप यूज़ कर लिया है. ये बैकड्रॉप आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली मिल जाएंगे. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. हमारे एक्चुअली कान्हा जी की आज जो ड्रेस है वो थोड़ा पर्पल और ब्लू थीम है इसलिए मैंने ये ब्लू बैकड्रॉप यूज़ किया है. अब मैंने इस कैबिनेट के ऊपर ये ब्राउन कलर का पाटा रखा है. ये मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मैं सिंहासन डायरेक्टली कैबिनेट पे नहीं रखना चाहती थी बिकॉज उसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम है. तो इस पाटे को मैंने यूज़ किया है थोड़ा लेवल राइज करने के लिए सिंहासन के लिए. तो इसलिए मैंने आज ये पाटे का यूज़ किया है. और अब आप देखोगे कि मैंने इस पे ये ऑरेंज क्लॉथ डाला है बिकॉज ऑब्वियसली मैं पाटे को खाली बिना क्लॉथ के उस पे सिंहासन नहीं रखना चाहती थी इसलिए मैंने इसको एक ऑरेंज कपड़े से यहाँ पे ढक दिया है. अब मैंने इस पाटे के ऊपर आप देख सकते हो एक फूल बंगला रखा है. इसको ये एक वुडन का होता है और इसको एक्चुअली हम फूल बंगला ही बोलते हैं. ये मैंने बेसिकली अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, आपको ये ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल हो सकता है. और यह आप कारपेंटर से अपने आप खुद अपनी डिज़ाइन बनवा के भी बनवा सकते हो और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इससे एक्चुअली जो हमारा बैकड्रॉप का जो लुक है वो थोड़ा और फ्लारी और एलिगेंट लगेगा इसलिए मैंने पाटे के ऊपर ये यूज़ किया है. अब मैंने ये सिंहासन रखा है और अब ये सिंहासन को भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे. और ये जूम लुक है. ऑब्वियसली अब हम सिंहासन को इस ऑरेंज ग्लिटरी बेडशीट से डेकोरेट करेंगे और इस बेडशीट के साथ हमारे पास ये पिलो है, गादी है. सो ये हम सिंहासन पे अब डेकोरेट करेंगे. इससे ये हमने सिंहासन पे बेडशीट से बहुत प्यारा सा लुक दे दिया है जिससे हमारा सिंहासन और भी ब्यूटीफुल लग रहा है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही और एक ही पैटर्न के दो अलग अलग ड्रेसेस हैं. वो इसलिए बिकॉज़ हमारे पास बाल गोपाल और बाल रूप की राधा रानी दोनों हैं और हम उन दोनों को सेम ही कपड़े, सेम ही कलर, सेम पैटर्न के कपड़े पहनाते हैं. तो हमने ये उन दोनों के लिए ड्रेसेस ली हैं. अब हमारे पास दो पैर की ड्रेसेस हैं, मैं दूसरी भी दिखाती हूँ बट हमें चूज़ करना बाकी, हम रात में उन्हें कौन से पहनाते हैं. ये उनके मैचिंग एसेसरीज़ हैं. ये कान्हा जी की बहुत ब्यूटीफुल सी कंट्रास्ट की पगड़ी और ये राधा रानी के केश. और ये हमारे पास दूसरा पैर है ड्रेस का और ये है और ये कान्हा जी की एसेसरीज. और ये हमारे एक और छोटू से कान्हा जी हैं 0 नंबर साइज के, तो ये हम उनके लिए लेकर आए हैं. और हम ऑब्वियसली पूजा में साईं बाबा की भी मूर्ति रखते हैं तो मैंने सोचा साईं बाबा के लिए भी दो नई ड्रेसेस ले लूं. तो ये है मेरा सारा सामान और अब मैं आपको क्लोजर लुक. Thank you.
सो अभी रात का कुछ सीन ऐसा है, ये एक हमारे पास झूला था जो हमने फ्लावर से डेकोरेट किया है और आप देख सकते हो हमारी बाल गोपाल और बाल राधा रानी को हमने यहाँ विराजित किया है। ये एरिया जो जिस पाटे पे हमने इनको बैठाया था, इनका सिंहासन रखा था, उसको हमने फ्लावर से कवर कर दिया है और यहाँ पे हमारे साईं बाबा हैं और एक छोटू कान्हा जी हैं। ये हमारी थाली है पूजा की जिसमें फ्लावर्स हैं और ये सिंदूर है, अगरबत्ती धूप और ये अगरबत्ती का स्टैंड है और या ऐसा है। और अभी हम इनका स्नान करवाएंगे पंचामृत से और फिर इनको न्यू बर्थ ड्रेस पहनाएंगे फिर से। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्रसाद में क्या क्या बनाया है। तो ये हमने प्रसाद में बनाया है पंजीरी आटे की और पंचामृत। ये जो पंचामृत है ये 5 ड्राई फ्रूट्स, हनी, घी और शुगर, पानी, इन सब चीज़ों से बनता है। ये हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये पंजीरी भी हम आटे को घी में थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें शुगर और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल के बनाते हैं। वैसे तो हमारा एक थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रसाद होता है, ड्राई फ्रूट्स का ही बनता है वो, बट क्योंकि थोड़ा चीज़ें अनअवेलेबल थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो वो हमारा बस अभी 15 मिनट्स बाकी हैं और हम कान्हा जी के बर्थडे का वेट कर रहे हैं। 12 o'clock हो जाएंगे तो फिर ये है और ये हमारी फाइनल लुक। हमने वो जो सिंहासन था वो साइड में रख दिया है, पहले हम उनको झूले में बैठाएंगे और यहाँ पे हम उनका स्नान करवाएंगे पंचामृत से। तो पहले हम अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं और उसके बाद जो हमारे और भी जो छोटू कान्हा जी हैं गंगा जल से पंचामृत से उनको भी स्नान कराते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड कान्हा जी को स्नान करवा रहे हैं और मैं बता दूं वो बहुत बहुत ही दिल से पूजा करते हैं, इसलिए मेरा बहुत ही मन था कि मैं ये मोमेंट्स कैप्चर करूं। और ये आप देख सकते हो मतलब बहुत अच्छे से उनको स्नान करवा के और अब उनको फ्लावर से हम थोड़ी फ्लावर होली खेलेंगे उनके साथ और फिर उनको ये चंदन का टीका लगाएंगे। और अब जो हमारे छोटू कान्हा जी है उनको भी हम स्नान करवाएंगे पंचामृत से और गंगा जल से। बेसिकली हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि एक खीरा होता है क्यूकम्बर जिसको काट के उसमें सालिग्राम रखे जाते हैं फिर उनका बर्थ होता है। बट एक्चुअली जहाँ हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हमें बहुत सालों से वैसा टाइप का खीरा हमें अवेलेबल नहीं हो रहा था तो बहुत ढूंढा तो बट फिर हमने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली जब आप श्रद्धा से पूजा करें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने अपने कान्हा जी को बहुत ब्यूटीफुल सी उनकी बर्थडे ड्रेस पहना दी है और अब उनका श्रृंगार चल रहा है। मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना कहाँ से मैं ड्रेसेस लेकर आई हूँ, क्या एसेसरीज़ मैं किस टाइप की प्रेफर करती हूँ अपने कान्हा जी के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। और ये हमने उनको फुली अच्छे से डेकोरेट कर दिया, यहाँ मेरी डॉटर उनको फ्लावर डालते हुए और अब हम उनको झूले में विराजित करेंगे। वाओ बहुत सुंदर लग रहा है। आरती टाइम।
तेरे हर कृष्ण मुरारी तो ये हमने अपनी डॉटर का एक स्पेशल जन्माष्टमी फ़ोटोशूट किया था। हमने उसको राधा रानी की ड्रेस में मतलब तैयार किया था, रेडी किया था। और हम यूजुअली उसके घर में ऐसे बहुत सारे फ़ोटोशूट्स करते रहते हैं, तो अगर आपको ऐसे कोई आइडियाज़ चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हमें आप इंस्टाग्राम द पैम्पर्ड चाइल्ड पे भी मैसेज कर सकते हो। Also, give a thumbs up. और ये हमने अपनी डॉटर को राधा रानी को थोड़ा यू नो गेटअप दे के उसका फ़ोटोशूट किया था, जन्माष्टमी स्पेशल फ़ोटोशूट। हम यूजुअली ये सारे घर में फ़ोटोशूट इसके करते रहते हैं, तो अगर आपको इसके लिए भी कुछ आइडियाज़ चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम द पैम्पर्ड चाइल्ड पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू यू नो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।